ये जो है पानी हमने थोड़ा कढ़ाई में लिया था, इसको गर्म करने को रखा था, थोड़ी हल्दी और नमक डाला है बीच में। हमारे पास ये फ्लावर है, बनाने से पहले हमेशा मैं फ्लावर को एक उबलते पानी में खंगाल के निकाल लेती हूँ। बिकॉज इससे क्या होता है कि कुछ भी जो कीड़ा रहता है फ्लावर में वो निकल जाता है। गैस मेरी ऑन ही है, थोड़ा सा इसको गर्म पानी से बस निकालना है। गैस बंद कर दिया मैंने क्योंकि पानी एकदम जो था वो बॉइल हो रहा था। बॉइल नहीं करना है इसको, जस्ट पानी में धोना है। मतलब हम लोग गर्म पानी से, जैसे नॉर्मल पानी से धोते हैं, वैसे हम गर्म पानी में थोड़ा इसको डाल के थोड़ा निकाल लेंगे। ये देखिए हो गया है। अब मैंने ये एक टोकरी में निकाल दिया। इससे क्या कोई कीड़ा रहता है कुछ रहता है तो वो पूरा जो है फ्लावर में निकल जाता है। फ्लावर के पीसेस मैंने थोड़े मीडियम करे हैं। अब इसमें हम डालेंगे, इसी पानी में हम लोग मटर डालेंगे। मटर को थोड़ा सा धो लेते हैं इसी में। ये मैं मटर निकाल के रखती हूँ हमेशा और उसको थोड़ा फ्रीजर में रख देती हूँ, एक प्लास्टिक के डब्बे में, तो काफी देर के लिए रहती है मटर हमारे पास। सारी मटर हमने इसमें से निकाल दी है। अब जो बचा हुआ पानी था वो हमने फेंक दिया है और उसी कढ़ाई में हम थोड़ा ज्यादा तेल लेके जो है आज थोड़ी धीमी कर लेते हो इसकी। तेल थोड़ा ज्यादा लेना है बिकॉज हमें जो है गोभी को थोड़ा फ्राई करके निकालेंगे उसमें। ये देखिए अब हम डालेंगे इसमें फूल गोभी फ्राई करने के लिए। ये देखिए फूल गोभी हमने डाल दी है इसके अंदर। अब ये हो रही है फ्राई। इसको फ्राई करना है थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक। बस और जल्दी हो जाएगा यार। गोभी में ना थोड़ा सा टाइम लगता है एक्चुअली थोड़ा अच्छे से फ्राई होने में, तो घबराइए मत। तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन प्ले अ गेम ऑन अ मोबाइल, यू कैन हैव अ सिप ऑफ योर कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्यों मोटे हो जाते हैं? कोल्ड ड्रिंक में कैलोरीज होते हैं। क्यों मोटे हो जाते हैं? It's too long be melati, तेरे पीछे आंगवाची, तेरे शेर के लिए मारी, कुड़ी कच्चे भी गवारी। ये देखे गोभी हमारी अच्छे से हो गई है फ्राई, थोड़ी ब्राउनिश। अब हम इसको आज धीमी कर लेते हैं, एक बोल में निकाल देंगे। ये देखिए निकल गया हमारी गोभी। अब इसमें डालते हैं आलू। तीन से चार आलू लिए थे मैंने, इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे टिल गोल्डन ब्राउन। ये देखिए फ्रेंड्स हो गए हमारे आलू भी गोल्डन ब्राउन। थोड़े मैंने निकाल दी, मैं निकाल ही रही हूँ अभी। ये मस्त गोल्डन ब्राउन हो गए एकदम बढ़िया। तो लेफ्ट ओवर ऑयल हमने निकाल दिया है, गैस हमने बंद कर दिया है बिकॉज अभी हम इसमें डालने जा रहे हैं। तो जो दो तीन चम्मच है थोड़ा ज्यादा ही ऑयल रखें बिकॉज हम पुलाव बनाने जा रहे हैं। तो थोड़ा अब तो मैंने सीक्रेट भी खोल दिया आपके सामने यार कि पुलाव बनाने जा रहे हैं। ये देखिए ये गया इसमें जीरा लगभग डेढ़ से दो चम्मच।
अब इसमें सबसे पहले हम जीरा स्क्रटल कर रहे हैं। अभी मैंने गैस बंद ही रखी थी तो ऑयल काफी गर्म था, और ये हम डालेंगे इसमें हरी मिर्ची। हियर गोज दी हरी मिर्ची, बहुत सारी हरी मिर्ची। इसमें कुछ प्याज टमाटर कुछ नहीं डालना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया यार, आज कुछ फटाफट ही बना लेते हैं। ये देखिए हरी मिर्ची थोड़ी ज्यादा मैं इसलिए रख रही हूँ, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मेरे को एज यू नो दैट आई लाइक स्पाइसी, सो आई एम पुटिंग। नाउ वी विल टर्न ऑन द गैस। हम लोग जो है इसको हरी मिर्ची को अच्छे से इसमें भून लेते, थोड़ा सा जीरा भी अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए हो गई है हरी मिर्ची अच्छे से, थोड़ी भून रही है, जीरा भी भून रहा है साथ में। ये देखिए धीमी आंच पे ही रखें, नहीं तो वो स्प्लैटर करेगा पूरा। अब हम इसमें डाल देते हैं मटर। ये डल गई इसमें मटर, मटर ग्रीन ग्रीन। ये थोड़ी मिर्ची मेरे पास थोड़ी ना वो मैं साफ करके रखती हूँ, तो थोड़ी वो बीच में कभी कभी रेड भी हो जाती है, तो ठीक है दैट्स ओके। हरी मिर्ची थोड़ी लाल भी हो गई तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आंच बढ़ा देते हैं। मटर को साथ में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, हल्का सा अच्छे से भूनने के लिए, थोड़े गल भी जाएंगे, वैसे तो ये फ्रोजन थे तो गलने जल्दी चाहिए। अब इनको ढक के रख देते हैं सिम पे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं। बहुत सारी बातों में 3 मिनट हो गए हैं भैया। ये देखो मस्त मटर, एक बार ना एक को प्रेस करके देख लेते हैं। अरे वाह गल गई गल गई। अब हम डाल देते हैं ये फ्राई किए हुए आलू एंड गोभी इसी के अंदर। थोड़ी चेंज भी हो जाती है फिर लॉन्ग लॉन्ग से चार पकड़ भी होते हैं ना। ये देखिए ये ऑलरेडी गला ही हुआ था, अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1.5 से 2 चम्मच हल्दी। ये गई हल्दी, देन वी विल पुट लगभग 2 चम्मच नमक मैंने फुल लिया था, उसमें से थोड़ा मैंने मटर में पहले ही डाल दिया। थोड़ा ज्यादा ही नमक रखे बिकॉज इसमें जो है हमारे को इसको राइस में मिक्स करना है। हाँ थोड़ी धीमी कर देती हूँ। अब थोड़ा सा जो है हम इसमें पानी डाल देंगे, लगभग 1 गिलास पानी, बस शेर हो गया। चलो ये देखो अब इसको बॉईल करने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं, थोड़ी देर मींस 5 मिनट्स तेज आंच में ढक्कन देंगे। ये देखो 5 मिनट हो गए हैं, आंच कर लेते हैं धीमी। पूरी भाप भाप हो गई है सब्जी बेचारी, वाह क्या दिख रही है भाई, दिस इज लुकिंग अमेजिंग। जरा आलू इज ग्लोइंग एंड दिस इज आल्सो ग्लोइंग, एवरीथिंग इज ग्लोइंग। थोड़ा सा हमको जो इसमें थोड़ा इसको धीमी आंच से तेज आंच पे कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये लो जी थोड़ी देर के लिए हमने 2-3 मिनट इसको तेज आंच पे ऐसा ढक्कन खुला रख के कर दिया, थोड़ी ग्रेवी कम हो गई। अब इसको कर देते हैं बंद। राइस हमने पहले ही राइस कुकर में बना लिया था, अब इसको जो है सारी हमारी सब्जी को हम लेके ऐसे ये जिसमें हमने राइस राइस को पहले मिक्स कर ले, उसके बाद ये सारी सब्जी जो है में डाल। अब इसको मिक्स करना है, लेकिन तरीका ये है कि इसको साइड से मिक्स करना है, क्योंकि अगर हम बीच में से मिक्स करेंगे तो पूरा टूट जाएगा। ये देखो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें हरी धनिया जो है वो थोड़ी ज्यादा लगभग 1 कटोरी पीस काट के मैंने ले ली है। ये मैंने जो है लगभग 2 कप जो है वो चावल लिए थे करके, वो
हमने बनाए थे उसके हिसाब से ही मैंने सब्जियां ली थी। ठीक है, तो इसको भी आप मिक्स कर। अब इस पुलाव को जो है धनिया मिक्स करने के बाद हम लोग ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए, इसको ऐसे ही बंद रखें और उसके बाद गर्मा गर्म सर्व करें। चलो भाई, मुझे तो लगी है बहुत सारी भूख और मैं ये एंजॉय करती हूँ पुलाव। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के आपको ये पुलाव कैसा लगा। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड तब तक आप एंजॉय कीजिए पुलाव। मुझे लिख के बताइए कैसा था पुलाव। बाय।